तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं रामा स्टील ट्यूब्स की। इस स्टॉक में फिर आज अपर सर्किट लग चुका है 4.85% की रैली के साथ। ये स्टॉक 29.20 की प्राइस पे ट्रेड करता दिख रहा है एट 12:22 PM। तो आजकल इस स्टॉक में फिर बहुत ही ब्यूलिश रिवर्सल चल रहा है। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट लेवल फंडामेंटल जान लेते हैं, देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या टारगेट रह सकते हैं। लेकिन नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक ज़रूर कर दें। सो आइए सबसे पहले इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लास्ट 5 डेज में देखो, पहले वॉलेटिलिटी थी, रैली के बाद गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन लास्ट 2 डे से इस स्टॉक में अपर सर्किट लगते दिख चुके हैं। तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 26.50 के अराउंड निकल कर आ रहा है। तो आजकल बहुत ही ब्यूलिश मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 1 मंथ में भी इस स्टॉक में 9.46% की गिरावट है। हाँ, इस स्टॉक ने अपना पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको जरूर पार कर लिया है। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 30 के अराउंड निकल कर आ रहा है। आने वाले टाइम में देखना होगा क्या ये जो स्टॉक है वो 30 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन रहता है। तो यदि ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस कर लेता है तो फिर फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 32 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ में देखो पहले अच्छी रैली हो रही थी, फिर अब इस स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो इस स्टॉक पर एक टाइम पर 43 के लेवल भी आ चुके थे, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट हुई है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी स्टॉक को कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता है। जब किसी स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ जाती हैं तो फिर उस स्टॉक में गिरावट तो आती ही है, कोई भी स्टॉक क्यों ना हो। तो लॉन्ग टर्म के अभी भी ग्रोथ अच्छी है। 6 मंथ में 40% के रिटर्न्स हैं। 1 ईयर में ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर चुका है, डबल से भी ज्यादा कर चुका है, जबकि 5 ईयर्स में 302% के मल्टीबैगर रिटर्न्स ही हैं। तो लॉन्ग टर्म में क्लियरली ये स्टॉक मल्टीबैगर है। ऑल टाइम में ये स्टॉक 876% के रिटर्न्स दे चुका है। 28 अगस्त 2015 को इसकी जो प्राइस थी नियरली 3 रुपीज थी। तो आज ये जो स्टॉक है नियरली 10 टाइम्स ग्रो चेक कर चुका है इन द पीरियड ऑफ नियरली 8 ईयर्स। 8 ईयर्स से भी कम का टाइम है। तो लॉन्ग टर्म में क्लियरली ये स्टॉक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और इस स्टॉक में एक अपडेट भी आ रही है कि दिस स्टॉक बी सीन एज ए साइन दैट मार्केट विल करेक्ट एंड द शेयर प्राइस गिवन डिसेंट फाइनेंशियल्स। तो इसके फाइनेंशियल जो हैं वो सही हैं, फंडामेंटल वाइज कोई भी दिक्कत इस स्टॉक में देखने को नहीं मिली हुई है। और ये स्टॉक अब अच्छे डिस्काउंट पे भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, यदि कोई अच्छा स्टॉक आपको सही वैल्यूएशन पे मिलता है तो वो एक मौका होता है उस स्टॉक में अकमुलेशन करने का। दोस्तों, आरओई परसेंटेज देख लो, 11% के अराउंड इस कंपनी की आरओई परसेंटेज निकल कर आ रही है, जबकि इंडस्ट्री की जो एवरेज है वो 14% के अराउंड है। जबकि इस कंपनी की यदि लास्ट 5 ईयर्स की देखें तो इसकी जो अर्निंग की ग्रोथ है 29% की है। तो आइए इसका लेटेस्ट डाटा जो है वो जान लेते हैं। पहले 5 ईयर्स का डाटा देखो, 5 ईयर्स में कंपनी की जो ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया है, 28.5% के अराउंड इसकी अर्निंग की ग्रोथ है। जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ देख लो, 24% के अराउंड है। तो कंपनी ने अर्निंग की जो ग्रोथ है उसको बहुत ही बढ़िया पेश किया है, और इंडस्ट्री से भी ज़्यादा इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ देखने को मिली है। मार्केट के कंपैरेटिवली डाटा बहुत ही पॉजिटिव है। ये लास्ट 5 ईयर्स का डाटा पहले हम ले रहे हैं, तो 5 ईयर्स में कंपनी की अर्निंग की ग्रोथ में बहुत ही शानदार ट्रेंड्स हैं, और इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली, मार्केट के कंपैरेटिवली कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन लास्ट 1 ईयर की ग्रोथ देखें तो वो नेगेटिव है। कंपनी की जो लास्ट 1 ईयर की अर्निंग की ग्रोथ है वो नेगेटिव है, -12% है। इंडस्ट्री की 14% है, जबकि मार्केट की 17% है। तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी की इनकम नेगेटिव आई है, अर्निंग की ग्रोथ नेगेटिव आई है। तो यही बड़ा कारण है कंपनी के स्टॉक में गिरावट का। दोस्तों, अब एक एक्सपेक्ट, क्योंकि दोस्तों लास्ट 1 ईयर में आपने देखा ही है स्टील सेक्टर में प्रेशर था, इन्फ्लेशन की कॉस्ट बढ़ने के कारण, एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण कंपनी की अर्निंग जो है वो इफेक्ट हुई है। लेकिन दोस्तों, दिस कंपनी हैज़ सम पॉजिटिव
एस्पेक्ट्स, इसके बाद भी कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव जो है वो लग रही है, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। विद ए हाई रेट ऑफ री इन्वेस्टमेंट एलबीट एट लो आरओई, द कंपनी हैज़ मैनेज टू सी कंसिडरेबल ग्रोथ इन इट्स अर्निंग। क्योंकि यदि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का पैटर्न लेके चलो तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों क्या होता है, कोई भी स्टॉक कभी भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करता है, और कभी भी किसी कंपनी की अर्निंग कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं करती हैं। हाँ, यदि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर रही है, देखो 5 ईयर्स में कंपनी अच्छा कर रही है, और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छी रिटर्न्स भी दे रही है और अर्निंग में भी अच्छी ग्रोथ मेंटेन कर रही है, तो ये कंपनी फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हाँ, शॉर्ट टर्म में दिक्कतें रहती हैं, कई कारण होते हैं, कोई इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, स्टील सेक्टर में कई बार स्लंप आ जाता है, तो उसके कारण थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी जरूर इसको रिकवर करेगी, क्योंकि दोस्तों बड़ी गिरावट के बाद इस स्टॉक में एक अच्छा मौका भी बनता दिखाई दे रहा है एक्युमुलेशन का। तो अभी मार्जिन जरूर अंडर प्रेशर है, लेकिन सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और इनकम में दिसंबर क्वार्टर में पॉजिटिव ट्रेंड ही है, ईपीएस भी बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिन जरूर अंडर प्रेशर हैं, दैट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन। आने वाले टाइम में यदि इन्फ्लेशन कम होती है तो कंपनी अपनी अर्निंग में फिर अच्छी रिकवरी शो करेगी, क्योंकि फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग है, तो अभी एक मौका है इस स्टॉक में अकमोलेशन करने का। सो थैंक्स के लिए मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स के लिए।